This conference will now be recorded. निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी में ये देखो आरएसआई वीकली का आरएसआई नीचे के ऊपर सस्टेन हो रहा है, लेकिन एचडी में ये आरएसआई जब तक ऊपर है, एचडी का आरएसआई देखेंगे, एचडी के चार्ट में आरएसआई जो दिखेगा वो ऊपर की तरफ है, तब तक मार्केट ऊपर रह सकता है। एचडी में आरएसआई तो ये ऊपर है, आरएसआई भी ऊपर है, तब तक के लिए मार्केट ऊपर रह सकता है, लेकिन जब ये आरएसआई नीचे जाएगा तो ये हमें देखना है कि ये आरएसआई तो हायर लेवल से रेजिस्टेंस बता रहा है, लेकिन अभी तो ऊपर जा रहा है। करंट ट्रेंड इज अपवर्ड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अपवर्ड, मिड टर्म ट्रेंड इज शोइंग रेजिस्टेंस एट हायर लेवल, तो ये ध्यान में रखना है। जब एच थ्री का आरएसआई से नीचे हो जाएगा तो हम एग्जिट करना है लॉन्ग से। अभी कौन से स्टॉक्स हम तो करंट सिनेरियो में निफ्टी का सपोर्ट हो रहा है 17,750 और रेजिस्टेंस बन रहा है 17,950। सिनेरियो में निफ्टी सपोर्ट अराउंड 17,750 रेजिस्टेंस 17,950 विद शॉर्ट टर्म ट्रेंड वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बुलिश, मिड टर्म ट्रेंड इज शोइंग रेजिस्टेंस, तो देयर इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एज पर एच थ्री चार्ट पर वीकली चार्ट एट हायर लेवल। अभी देखो डेली का भी एमएसडी जो है लॉन्गर पैरामीटर वो नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस के तरफ जा रहा है। कल एच थ्री में आर एस ए नीचे आ जाएगा तो गिरना चालू करेगा, तब तक के लिए रुकना है, तुरंत तो शॉर्ट सेल नहीं करना। अभी कुछ स्टॉक्स रहेंगे जो बाय में हैं, तो क्वार्टरली मंथली वीकली के हिसाब से बोलने बाय शॉर्ट टर्म के लिए बाय रहेंगे, बाइंग स्टॉक्स बाय कर सकते हैं वैसे स्टॉक्स। इसमें आ जा रहा है एच यू एल, पहला देखेंगे तो एच यू एल का रेजिस्टेंस है, आर एस ए नीचे गया लेकिन एच यू एल में बाय लगा। अब पहले देखना है कि एच थ्री में बाय है क्या, इसे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। एच थ्री में बाय जरूरी है, एच थ्री का बाय जरूरी है, तो ये स्टॉक हुआ एच यू एल। सेकेंड है एच डी एफ सी लिमिटेड, एच डी एफ सी बैंक भी है, ये डेली एच वन के हिसाब से जा रहा है, तो ये दूसरा स्टॉक मिल रहा है एच डी एफ सी बैंक, ऐसे स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं। एच डी एफ सी लिमिटेड भी है, मंथली के हिसाब से जाएंगे तो एच डी एफ सी लिमिटेड भी आए, होल्ड करना पड़ेगा। वीकली में वीक है तो रेजिस्टेंस पे एक बार शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टॉक को बाय करना पड़ेगा एच डी एफ सी लिमिटेड। कोई स्टॉक से एच डी में बाय रहे अभी अभी लगा है वैसे स्टॉक को भी देंगे, अभी अभी लगा है वैसे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं।
क्वार्टरली मंथली बुलिश जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। एचसी में बाय लगा तो हम बाय कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक अंदर में, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में बुलिश से देखना चाहिए। एचसी में बाय का लेकिन ये ध्यान में रखना है कि मार्केट बहुत ऊपर है, मार्केट जो एचसी में आ रहे से नीचे आ जाएगा तो मार्केट ज्यादा गिरना चालू करेगा। तो जब भी आपको लगता है कि मार्केट एचसी में चार्ट में हमेशा दिखते रहना पड़ेगा। तो एचसी के चार्ट के हिसाब से जितने भी बाय आते हैं वो हम बाय कर सकते हैं जब तक निफ्टी ऊपर है। फर्स्ट टाइम बाय आ रहा है वो ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा और कुछ बात करना के बात कर सकते हैं। डिस्कस करना है तो कर सकते हैं।